अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको वेलकम है रेहान मिथुन दा के व्लॉग में। आज ईद का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ सुबह कोई, मेरे ख्याल से 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे 7:30 बजे जमात हो जाएगी, ईद की नमाज हो जाएगी। तो गाइस अब मैं नहाने जा रहा हूँ और ये मेरी बहन अभी तक सोई पड़ी है। चलिए गाइस मैं नहाने जा रहा हूँ अभी। तो फाइनली गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ। तो अब मेरे पापा भी नहा लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि पापा माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पापा परफ्यूम लगा रहे हैं। ये पापा का और मेरा बिल्कुल एक जैसा सूट है, एक जैसी शलवार कमीज है। गाइस आज मेरी मम्मा ने खीर भी बनाई थी, तो अभी हम मामा की खीर देखते हैं जो मामा ने बनाई है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, खीर बन चुकी है और ये अभी हमने मोहल्ले में बांटनी है क्योंकि आज ईद का दिन है। तो अभी हम इमाम को ईदी भी देंगे। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे नाश्ते के लिए ब्रेड है और ये मेरी बहन का सूट है, अभी वो भी तैयार होगी। तो गाइस मेरे ख्याल से ईद की नमाज का वक्त हो गया, तो हम ईद की नमाज के लिए निकल रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपसे ईद के बाद नमाज के बाद मिलेंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हम ईद की नमाज पढ़ने गए हैं, तो हम आ चुके हैं। मेरे पापा भी पीछे आ गए, अब हम सारे आ चुके हैं। तो वहाँ पे हमने काफ़ी ईद वगैरह मिले सबसे, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम खीर बांटने जाएंगे मोहल्ले में, वो तो मैं खीर बांटने जा रहा हूँ और आपको अपने मोहल्ले वालों को भी देनी है। तो ये मेरी बहन भी तैयार हो गई है, अभी मोहल्ले वालों को खीर देनी है। तो अभी हम अपनी हमने अपने मामू जो है ना, वो रेंट का काम करते हैं, तो हमने उनसे गाड़ी ले ली थी। तो अभी हम सब रिश्तेदारों को अपने गाड़ी में अपने खीर देने जाएंगे और अभी मोहल्ले में बांटेंगे। चलिए तो गाइस अभी हम आ चुके हैं और ये खीर बांटने, और ये मेरी बहन भी तैयार हो चुकी है, ये भी खीर हमारे साथ बांटने जाएगी। चलिए मैं आपको खीर दिखा। तो गाइस ये अभी सिर्फ 4 घरों की, अभी हमने और भी घरों में देनी है। अगर आपने खानी है तो आप भी यहाँ पे आ जाए, बहुत मज़े की है। तो गाइस ये अब आखिरी खीर आएगी, आखिरी घर में देनी है, उसके बाद हम अपने इंशाल्लाह रिश्तेदारों को देने जाएंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हमने खीर मोहल्लेदारों को देनी है, तो बस ये आखिरी घर है। तो यहाँ पे देख के इसके बाद हम जाएंगे नान चने लेने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, तो अभी हम नान चने लेने जाएंगे। तो ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं हमने मामू से रेंट पे ली है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि आज ईद का दिन है, तो आज हम कहीं जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पे रश बहुत है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह कल हमारी पप्पू के घर दावत है, हम इंशाल्लाह कल वहाँ पे जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।